Assalamualaikum, वेलकम टू माई YouTube चैनल. दिस इज़ मी मरियम फ्रॉम मोमो एंड मेहराज व्लॉग. ये देखिए जी, सुबह की चाय के साथ. मैं खाऊंगी, समोसे खाऊंगी. मुझे तो रोल अच्छे लगे थे जी. ये देखिए जी, आज मैं बना रही हूँ किचन में बिरयानी. उसके लिए प्याज मैंने चॉप करा लिया है, मोटा मोटा चॉप करवाया है प्याज, बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है. फिर जी अब ये स्टोव है, देसी स्टोव है ये, ऑयल का. इस पर मैंने चावल चढ़ा दिए, चावल उबल रहे हैं. और मैंने कहा चावल पहले से उबाल के रखा, चावल की कन्नी जो है वो चेक करनी पड़ेगी. कहा इसको इसी में रहने देती हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट्स मोर, ताकि ये थोड़े से जो है एक कन्नी बाकी रह जाए. ठीक है जी, फिर इसको मैंने थोड़ा सा मिक्स करके जी इसको मैंने इसी तरह छोड़ दिया. थोड़ा सा सॉल्ट कम था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, वो शायद मैंने वीडियो में डाला नहीं है. तो इसके बाद जी मैंने पैन लिया, पैन में ऑयल डाल के जी रख दिया चूल्हे पे. अभी चूल्हा देख सकते हैं, ये ऑयल मिट्टी का तेल का ऑयल का चूल्हा है. ठीक है, उसमें मैंने प्याज डाल दिया और थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, मैंने ऑयल ऐड कर दिया. अब इसको हम इसकी भुनाई करेंगे. फिर चिकन साथ में ली थी, डीप फ्रीजर से निकाली थी. और ये जी हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो ये साथ जी हल्का सा गोल्डन ब्राउन प्याज हो जाएगा उसके साथ ही. फिर जी मैंने सोचा कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लें, तो पेस्ट ऐड किया 1.5 टीस्पून. ठीक है, तो फिर इसको स्टिर किया अच्छा सा. स्टिर करने के बाद जी मैंने थोड़ी सी इसकी कलरिंग आने दी. आने के बाद इसके अंदर मैंने जो चिकन जो लिख रखी हुई थी वो जी इसके अंदर डाल दी. तो चिकन और जो टमाटोज थे ये मैंने काट के रख दिए साइड पर. तो ये चिकन जो है मैंने इसके अंदर डाल दी है. थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट होते होते थोड़ा टाइम लगेगा. साथ ही चूल्हे पे मैंने सोचा कि इसको शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि इतना ईजिली गलेगा नहीं. तो मैंने टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए. टमाटर की भी क्वांटिटी मुझे थोड़ी लग रही थी, तो बाद में मैंने 2 और टमाटर इसके अंदर ऐड किए. लिड मैंने लगा दिया था इसका, और मैंने सोचा कि जी ये वाला चूल्हा जो है ऑफ़ कर दिया जाए और इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया जाए. तो फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करने के लिए जब मैंने खोला थोड़ा सा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा गल जाए. फिर मैंने इसके अंदर ज़्यादा शान का जी बिरयानी मसाला, ठीक है, दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट हो गया, शान का बिरयानी मसाला ऐड किया. अब इसके अंदर एक ये है कि मैं जो हमेशा जो है 2 मसाले यूज़ करती हूँ, एक शान का और एक नेशनल का. ठीक है, आप शान कोई भी मटन ले लें, बिरयानी बम्बई बिरयानी ले लें, जो भी ले लें. ठीक है, वो ले लिया. अब इसके अंदर थोड़ा डाल के उसको स्टर किया. फिर उसके साथ ही जी मैंने लिया इसके अंदर नेशनल का मसाला, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ था. ठीक है, नेशनल का मसाला, दोनों मसाले ऐड करके तो थोड़ा सा टेस्ट आता है. अच्छा, इसमें थोड़ा सा येलो येलो इसलिए आ रहा है कि जो है ना टमाटर का जो कलर था वो थोड़ा डार्क नहीं था, दैट्स व्हाई जो मेरा वो था ना. ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दिया और मैंने वो चूल्हे से उतार के इसको टमाटर नॉर्मल चूल्हे पे रख दिया क्योंकि उससे बहुत हेडेक हो रहा था मुझे. और थोड़ा सा भुनाई कर वो मैंने इसको कर दिया मसाला डाल के. अच्छा, कलर थोड़ा सा इसके अंदर आप देखें तो पीला पीला है, क्योंकि हमारे पास जो टमाटोज थे वो थे थोड़े से ग्रीनिश येलो. ठीक है, फुल राइट टमाटोज नहीं थे हमारे पास, लेकिन फिर भी इट्स अ डिफरेंट कलर. ठीक है, आप देखें बिरयानी में पूरा पूरा पीला पीला कलर आएगा. मेरा इसमें ये भी है कि ना मैं खाली इसके अंदर एक बिरयानी मसाला नहीं डालती हूँ, मैं इसमें 2 कंपनीज का मिक्स डालती हूँ. पहले मैंने शान कर रहा था, अब मैं नेशनल बिरयानी मसाला डाल रही हूँ. मतलब थोड़ा सा कंबाइन करके जायका था, थोड़ा अच्छा आता है. तो ये देखते हैं थोड़ा डिलीवरी पहले वाला ड्रॉप हो जाए. उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके फिर जी मैंने इसकी बनाई थी अच्छी सी, और ये जब मुझे तंग करने लगी है तो मैंने फिर साथ साथ इसकी अच्छी अच्छी खासी बनाई थी. ठीक है, आप देख सकते हैं अभी तेल जो है ऑयल जो है आपका फिर उबाल से मसाले से चावल जो थे वो मैंने चल मैं अंकल टॉम ऐड किया योगर्ट. ये देखिए मैंने योगर्ट ऐड कर दिया इसके अंदर तकरीबन, तो मैं थोड़ा सा भूनूंगी 6-7 टेबल स्पून. ठीक है, दही ऐड करने के बाद दही ऐड करने के बाद हार्डली आपने 2 से 3 मिनट इसको कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना. ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो मेरी बिरयानी वो है रेसिपी का एक वो है तरीका है कि जहर भी रहे होंगे ना, तो मैं ना मसाले ग्राइंड करती हूँ ना जी मैं दही ज़्यादा पकाती हूँ. पे जो है मैं कलर साइड पर मैंने फूड कर लिया, पानी में नहीं डाली, दूध में साथ मैंने मिल्क के साथ उसको
तो ये मैंने कलर के लिए इसमें दूध डाल दिया। मिल्क ऐड करने के बाद इसको मैंने स्पून से भी स्टिर किया। स्टिर करूंगी, आप इस तरह स्टिर कर लें कि कोई जो लम्स है इसके अंदर बाकी ना रह जाए, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से लम्स थोड़े से तो मैं अपने कर लूंगी, खत्म हो जाए कर दूंगी थोड़ा सा। तो अब इसके लम्स खत्म हो चुके हैं तो मैं रखूंगी होल्ड पे। ये जो है मैं इसको भी रखती हूं, फिर जो मसाला उबल रहा है, जो रोटी में मसाला है वो हो रहा है बनाई। बस अब चूल्हा हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है, भून के थोड़ा सा, ठीक है। भून के बाद चूल्हा ऑफ कर दिया और उसके बाद जो मैंने कर दिया कि अब इसकी ना तह लगाई जाएगी चावलों की। चावलों की तह लगाने के लिए जी मैंने क्या किया, चावलों को थोड़ा सा बीच के आधा निकाल दिया था और इसके बीच में जो है वो अब मैं जी इसकी लेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है। लेयरिंग के बाद मैं आपको उसको फाइनल में दिखाती हूँ। चावल दोबारा ऊपर से डाले, फाइनल इसकी लेयरिंग कर दी और जो है फूड कलर जो है फूड कलर चावल को ऐड कर दिया। अब इसको मैं करूँगी तो मैंने जी लेट से कवर कर दिया, ठीक है। और इसको एक बड़ा चम्मच जो था प्लेट में डाला मैंने। दिस इज माई बिरयानी।